चौधरी साहब, ये वीडियो है, इसको पास करिए जरा। ये वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। हमसे लोग बोले कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो, हमसे बोले उनके शादी की 25 साल जाओ, पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो, हमको मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा, पर मुझे चलिए। तो ये है वीडियो। संजीव चौधरी से मैं दर्शकों को एक सवाल कर रहा हूँ कि आपका कानपुर के आर्यनगर सीट का विधायक है अमिताभ वाजपेयी, वो कह रहा है कि सुंदर कांड मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मेरी बीवी सुंदर है और मैं कांड करता हूं। ये इनकी विकृत मानसिकता वाला विधायक है और जो कि एक बार फिर प्रत्याशी। ये बात खुले मंच से कही गई है, सार्वजनिक मंच से कही गई है, इसका वीडियो भी है। संजीव चौधरी साहब, इनको वीडियो दिखाया भी गया है। अब मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, संजीव चौधरी साहब, ये आपका नेता इस तरीके की अगर बातें कर रहा है, आप इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी नहीं, अरे नहीं, संजीव जी थोड़ा सा आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि पार्टियां, सरकार, ये सब आता जाता रहेगा, ठीक है, देश सुरक्षित रहना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखिए। कोई आदमी, यदि कोई नहीं, अमिताभ वाजपेयी, वीडियो आपको सुना चुका हूं, अमिताभ वाजपेयी वीडियो आपको दिखा चुका हूं। आपने नाम बता दिया, नाम भी आपने बताया, मुझे नहीं पता। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पे संज्ञान जरूर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, संज्ञान जरूर लेंगे अगर वहां तक मामला पहुंचेगा। और ये ऐसा नहीं है कि अगर वहां तक पहुंचेगा अखिलेश यादव हाईकमांड है क्या? पार्टी का स्टैंड बताइए, ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत बाहर करना चाहिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि जेल में होना चाहिए। नहीं चलता ना। मैंने ये कहा कि मेरी टिप्पणी ये है इस पे कि यदि कोई आदमी गलत काम करता है, गलत बोलता है, तो बिल्कुल उसकी गलत है, वो बोलना नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से क्रोध आ रहा है मैं देख रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, बहुत इंप्रेस किया आपने। चलिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए।